सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे पर बेहतरीन मिलेंगे। आज का पंचांग 27 जुलाई 2020, दिन सोमवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह 7:09 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र सुबह 11:04 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:31 से 9:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 27 जुलाई 2020, दिन सोमवार, आशा व्यवहारिकता की अपेक्षा रखने वाले कई मुद्दों में भावनात्मक व्यवहार करेंगी। स्पष्ट सोच रखते हुए यह समझने की कोशिश करें कि आपकी इच्छाएं क्या हैं और आपके लिए क्या अच्छा है। आपके भीतर कुछ ऐसी भावनाएं पैदा हो सकती है जो आपको कुछ सीमाएं लांघने के लिए उकसा सकती है। ऐसे कोई भी फैसला लेने से पहले सबको सूचित कर दें। अच्छा, आपके लिए दिन कुछ नई चीजों का है। आप खुद को राहत भरी गतिविधियों में पा सकते हैं। कई विचार धीरे धीरे काम के रूप में उभर रही हैं, लेकिन बुद्धिमानी से चुनी। वर्तमान कर्म चक्र विद्यार्थियों और रिसर्च करने वालों के लिए शुभ है। एक सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाएं। आपको सफलता और सितारों का साथ मिल सकता है। अच्छा, आपके अधिकतर काम सुचारू रूप से होते जाएंगे, जिससे आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति व धर्म कर्म के मामलों में और अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आर्थिक गतिविधियों में भी कुछ लाभकारी योजनाएं बनेगी। आपको जॉब और बिजनेस में कई नए प्रोजेक्ट या विकल्प मिल सकते हैं। समझदारी से अपने लिए सही चीजें चुनें। सावधानियां, विद्यार्थी अपने करियर संबंधित विषयों के चुनाव को लेकर चिंतित रहेंगे, इसलिए उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्तियों को लेकर अस्पताल आदि के चक्कर भी लग सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो अपने काम के प्रति आपकी पूरी निष्ठा आपको अपने साथी से दूर ले जा सकती है। इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अपने प्यार को उचित तरीके से अपने साथी के समक्ष प्रकट करें जो कि आपके दिल में है। आपका साथी आपसे प्यार और ध्यान की अपेक्षा करता है, और जुनून और दीवानगी आपके प्यार में से गायब हो गई थी वह आपके रिश्ते में फिर से अंकुश होगी। अपने साथी को अपने साथी की गहराइयों से अवगत कराएं। करियर की बात करें तो आपके कार्य क्षेत्र या करियर में परिवर्तन आने के संकेत हैं। अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा आपके अंतिम कदम उठाने की संभावना है। हो सकता है कि आप अपना प्रतीक्षा संस्था भी खोलें जो कि आप लंबे समय से करना चाहते थे। इस प्रतिक्रिया में आपको कुछ जोखिम भी लेने पड़ सकते हैं, पर ये भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सेहत की बात करें तो अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखें। इस समय आपको अपचय की समस्या हो सकती है। आप उपयुक्त खाना खाएं और हल्का अभ्यास शुरू जरूर करें, जैसे चलना, सीढ़ियां चलना या साइकिल चलाना आदि। आपका तेजी से चलने वाले दिमाग आपको खाने का पूरा मजा नहीं लेने देगा। खाते हुए किसी भी बात के बारे में ना सोचें, अच्छी तरह चबाकर खाएं और खूब सारा पानी भी पिएं। आज का उपाय,
आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।